ये इंडिया की और ये पाकिस्तान की, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये भाई सामने हमारे पड़ी हुई है इंडिया की चाय, ये पाकिस्तान की चाय, और बांग्लादेश वाली हम पी गए हैं पहले। आवाम आ चुकी है, ये अंदर देखें, उधर लेडीज के एरिया है और इस साइड पे भी है भाई, आवाम ही आवाम है। हमारे पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम जितने हैं वो सारे इधर बैठते हैं इस पूरे एरिया में भाई। माशाल्लाह से आज मस्जिद में इतना रश है, इतना रश है कि हम फिफ्थ फ्लोर पे हैं। देखो भाई, अवान भाई आज खिदमत में ठहरा हुआ है, खिदमत कर रहे हैं लोगों की। सेम तो भाई, रजा तो शुरू हो गया, कहते नमाज बाद में पढ़ेंगे, पहले खाना। अस्सलाम वालेकुम, तो हाजिर है आपका भाई एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो भाई मैं हूँ आज शेंजन में मौजूद, अपने शहर में। तो पिछले साल भी मैंने रमज़ान की वीडियो बनाई थी मस्जिद की, और इस साल भी मुझे बहुत सारे इंडियन भाइयों ने कहा कि भाई आप वीडियो बनाओ मस्जिद की, और हमने लास्ट ईयर भी देखी थी, बड़ा मज़ा आया था। आप लोगों को थोड़े से ड्रोन शॉट दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद है हमारी माशाल्लाह से, और हर साल यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर जा के भी माहौल, कि जो इनकी मैनेजमेंट है वो फूड बनाती है अलग से, और उसके अलावा जो हमारे पाकिस्तानी इंडियन आते हैं डेली, भाई यहाँ पे चाय आती है, सबसे ज़्यादा चाय पीता हूँ मैं। एक हमारे परवेज भाई हैं वो चाय लाते हैं, और इन दिनों एक हमारे दूसरे भाई हैं पाकिस्तानी, वो लाते हैं कश्मीरी चाय, जिसपे हमने पूरे ही चाइनीज़ियों को भाई एडिक्टेड कर दिया है, और सारे ही ऐसे दीवाने हो चुके हैं पाकिस्तानी टी के, हर कोई भाई चाय पीता है, और हमसे भी ज़्यादा चाय वो पीते हैं। तो हमने उनको भाई नशा ही बना दिया, इस टाइम वो नशे पर लग चुके हैं। हर साल मुझे अम्मी लोग, घर वाले कहते हैं कि भाई आप ईद और रमज़ान यहाँ क्यों नहीं गुजारते पाकिस्तान में। तो उनको मैं कहता हूँ कि जितना मज़ा मुझे चाइना में आता है मस्जिद में रहना, लोगों के साथ मिलना, दोस्तों के साथ गपशप लगाना, फिर मस्जिद में इकट्ठे इबादत करना, वो माहौल मुझे कहीं भी और नहीं मिलता। आपको सारा ही मस्जिद का रिव्यू दिखाऊँगा इंशाल्लाह, इन साइड आउट साइड। जो अफ्तारी हमारी होती है, अफ्तारी के बाद हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर हम आते हैं भाई खाना खाते हैं। देखें भाई जो गाड़ियाँ यहाँ पर ठहरी हुई, और रश है आज 27वीं की, मैंने इतना रश कभी पाकिस्तान में भी नहीं देखा। ये चेक करें, ये देखें भाई लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, लाइनें माशाल्लाह से। ये सामने बिल्कुल हमारी खूबसूरत मस्जिद है, ये शेंजन मॉस्क, जो कि बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह से खूबसूरत मस्जिद है। और अभी देखें यहाँ पे कितनी ही गाड़ियां हैं भाई, गाड़ियां चेक करें, अभी बाहर भी ठहरी हुई हैं गाड़ियां, और यहाँ पे भी देखें कितनी गाड़ियां ठहरी हुई हैं, कितने मुस्लिम आए हुए हैं भाई। इतनी ज़्यादा आवाम आ चुकी है, इतनी ज़्यादा आवाम कि इन्होंने बाहर भी जगह बना दी है, लाइटें भी ऑन हो चुकी हैं, और इस टाइम भाई बहुत ज़्यादा आवाम है। और अभी मैं अंदर जाऊंगा, मे भी हो सकता है मुझे जगह मिलती है या नहीं मिलती, आई डोंट नो कि मुझे अंदर जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं मस्जिद। ये चेक करें भाई, वीडियोज़ बन रही हैं माशाल्लाह से, रौनक ही रौनक है। ये देखें, ये बाहर देखें फैमिलियों के लिए जगह लगी है भाई, अफ्तारी के लिए, इतनी बड़ी अफ्तारी माशाल्लाह से आज तक आप लोगों ने नहीं देखी होगी। ये देखें हर जगह लोग छाए हुए हैं, ये देखें इधर भी जगह बनी हुई है, इधर भी चाइनीज़ियों की जगह है, हमारी जो पाकिस्तानियों की जगह है वो अलग से है। इस तरफ देखें, इधर ये चाइनीज़ कह रही है सारा, और अंदर स्टाफ है सारा। ये देखो माशाल्लाह से, वो पीछे जो है भाई औरतें, मेरा लौंडा भी आ गया है, तेरा खसम आ गया, सेम टू सेम आगे से पीछे तो रेड रेडी कर, रेड मेरी फेवरेट है। किधर अबू है? नहीं चल, आप इधर जगह नहीं मिलेगी, उधर बैठना, इधर बैठ, उधर उधर अपनी जगह उधर बैठे भाई। देखिए इतनी आवाम आ चुकी है, ये अंदर देखें, उधर लेडीज के एरिया है, और इस साइड पे भी है भाई, आवाम ही आवाम। हाँ क्या, चल चल चलो, मैं वन थी यार, अच्छे कमा नो है, अच्छे कमा शुक्रिया। ये देखें माशाल्लाह से, ये मस्जिद के सबसे जो सरबराह हैं हमारे बड़े, वो हैं भाई। और ये भाई मेरे जितने लोग ज़कात देते हैं वो यहाँ पे चार्ट पे लिखा जाता है 2024 का ज़कात। ये देखें, ये हमारे एक इंडिया के भाई हैं, उन्होंने पूरा 1,00,000 RMB दिया है। बन जाएगी जगह, बन जाएगी, मैं बना लूँगा, फ़ोन में नहीं लगा हुआ था, मैं असल में शूटिंग पे लगा, मैं आज
मैं आज 3 बजे से आया हूँ। खाना माना नहीं है डी जी आई भाई, हमने खर्चे किए हुए हैं, मजाक है। अच्छा चलो, इंडिया नेपाल सारा एक ही है, घुस सकते हैं किसी भी टाइम। हमारी वो लड़की नहीं चली गई इंडिया नेपाल के रास्ते से। ये देखें, ये भाई सारा एरिया हमारे पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम जितने हैं वो सारे इधर बैठते हैं इस पूरे एरिया में। और ये मस्जिद का मैप बना हुआ है यहाँ पे, ये मस्जिद का सारा एरिया बना हुआ है। और जो भाई यहाँ से हमारे पाकिस्तानी चीज़ें लाते हैं, इंडियन लाते हैं, वो यहाँ पर हम खोलते हैं और यहाँ से फिर सबको देते हैं भाई, डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल। और ये भाई देखो सारे आज शूटिंग वूटिंग हो रही है लाइव। ये हमारे परवेज भाई हैं और वो रौनक शुरू होगी उसके बाद। कश्मीरी आज तुझे पिलाऊंगा भाई, सारी कसम से मैंने अपने मुल्क में भी नहीं देखी। तुमने देखी है कहाँ पे? मस्जिदों में होती है, लेकिन इस तरह की हाई फाई नहीं होती जो इधर करते हैं ना। बहुत खर्चा करते हैं यार, इधर बहुत ज़्यादा करते हैं। अजान भाई शुरू हो चुकी है, बस अफ्तार का टाइम। रोज़ा खुल चुका है, अभी हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। उसके बाद लाभदारी हो गई है, जो खाली हमने नमाज़ पढ़ी थी उसके बाद आके फिर फाड़ेंगे खाना। लेकिन आप खाएंगे पाकिस्तानी खाना। आवाम देखो भाई, जगह ही ना है, जगह ही नहीं है भाई, इतनी आवाम है आज तो मस्जिद में। नमाज वाली जगह पे जगह नहीं होगी भाई। देखो भाई, हमारे लिए स्पेशल परवेज भाई ने वो रखा था, क्या कहते हैं इसको, नान हलीम। ये देखो भाई, रजा तो शुरू हो गया, कहते हैं नमाज बाद में पढ़ेंगे, पहले खाना। भाई माशाल्लाह से आज मस्जिद में इतना रश है, इतना रश है कि हम 5th फ्लोर पे हैं इस टाइम। नीचे वाली जगहें खाली नहीं है। ये देखो हर तरफ बंदे ही बंदे हैं भाई। ये अभी हम लोग हैं, इससे ऊपर भी फ्लोर भरा हुआ है, इधर भी लोग बैठे हुए हैं, नीचे भी हैं, ऊपर भी है। ये देखें माशाल्लाह, पुलाव, ये बिरयानी आ चुकी है भाई, बिरयानी। इधर भैया जी कोफ्ते चल रहे हैं। परवेज भाई जिंदाबाद। ये देखो भाई, अवान भाई आज खिदमत में ठहरा हुआ है, खिदमत कर रहे हैं लोगों की बड़ी। कभी कभी करनी चाहिए खिदमत, कमाल हो गया। ये देखो, ये हमारी अफ्तारी है भाई। ये रजा भाई को देखो, खाना खाई जा रहा है रजा। और भाई इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि आज जगह ही हमें नहीं बैठने की मिल रही, तो हम इस वजह से मजबूरन यहाँ पे बैठ चुके हैं। ये एक रोटी और ये खाना, और अभी और भी माहौल बने। ये भाई चाइनीज़ों की तरफ से हमें डिश मिली है, ये खाने के लिए एक और भी पड़ी हुई है, सबको मिली है। रजा तो मौज में आज, शर्ट लौंडे तेरे पे अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। भैया जी अफ्तारी हो गई, खाना भी हमने खा लिया है, और अभी हमारा चाय का राउंड शुरू होने वाला है, राउंड 1। उसके बाद फिर राउंड 2 होगा, राउंड 2 हमारा कश्मीरी टी का होता है भाई, एक बंगाली के हाथ की टी हम पीते हैं, मिक्स टी पीते हैं। और अभी देखें ये राउंड 2, राउंड 1 शुरू है, इंडियन भाई चाय माए दे रहे हैं। ये एक एक हमने ली हुई है, एक एक और भी लेंगे। ये पड़ी ये ले ली, यानी हाथ मेरा बच जाए, जरूरी है ना, वरना चाय नहीं पीता। मैंने सुना है चाय के लिए हाथ जलाना ज़रूरी है। अगर भाई अफ्तारी के बाद सफाई खुद करनी पड़ती है, देख रहे हैं हमारे परवेज भाई लगे हुए हैं। पैकिंग शेकिंग शुरू हो चुकी है भाई। ये देखें परवेज भाई माशाल्लाह से डेली कुछ ना कुछ लाते हैं, अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, और हमेशा ज़िंदा रखें हमारे लिए। इनके बगैर यहाँ मस्जिद में हम अधूरे हैं भाई। ये देखो भाई, ये रेड़ा कहाँ से लाए परवेज? इसमें तो अक्सर मैं मोबाइल लेके जाता हूँ इन रेड़ों में। ये देखें भाई, यहाँ पे लोग खुद सफाइयाँ करते हैं, जो खाते हैं वो सफाई खुद करते हैं। क्या हुई कौन सी? मिस्टर मा इज टुडे वॉलंटियर। ओहो माशाल्लाह, लिसोगे ना होगे BGI 5000। अपने लिए कितनी कटी की, 1, 2, 3 कश्मीरी। ये भाई हम हमेशा हैंड में अपने लिए जमा करते हैं यहाँ पे, सही खेले हैं। इसके बाद कश्मीरी पियेंगे, फिर कश्मीरी के बाद भाई मेरे होगी तरावी, और तरावी के बाद फिर हमारा सेकंड राउंड चलेगा। तारिक भाई कश्मीरी पी रहा है,
कमाल हो गया, ये आई कश्मीरी भाई। सारे चाइनीजियों के कश्मीरी पे लगा दिया भाई, शुक्रिया जी। ये देखिए माशाल्लाह कश्मीरी चाय पे ऐसे भीड़ लगी हुई है चाइनीजियों की भाई, लिवन्ने हुए हैं कश्मीरी चाय के पीछे। ये देखें भाई परवेज भाई की चाय छाई हुई है फिर आज। कश्मीरी चाय आज हार गई है भाई, आज परवेज भाई जीत गया है और हम भी स्वाद ले रहे हैं चाय का। सारे पी रहे हैं भाई, देखो चाय। अब हम बांग्लादेश की चाय पीने वाले हैं, स्पेशल चाय, स्पेशल चाय अब हम पीने आए हैं। वीडियो ऑन है भाई। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सारी चाय चेक होंगी आज, फिर एंड में हम रिव्यू देंगे कि कौन हारा कौन जीता। वही ये वाली पी है बहुत अच्छी, सारी अच्छी है लेकिन ये बहुत अच्छी है। इसका तुझे टेस्ट बिल्कुल देसी वाला टेस्ट आएगा। ओए होए मजा आ गया भाई, ये भाई सबसे स्पेशल चाय है यहाँ की। इस पर लड़ाई है, इस पर बड़ी लड़ाई है, झगड़े होती हैं। आई टेक्स्ट यू, यू डिडंट रिप्लाई मी। आई टुडे कम हियर 3 o'clock, टुडे इज 27 रमजान। लाइक डोंट टॉक इन लाइक, ओके डोंट टॉक इन लाइक। I show you. That is 37 Ramadan. I will, it's very important for you. I will show you my one my. Only one time come here. Here, big stupid lad. भैया जी बहुत ज़्यादा आवाम है और मैं और रज़ा जा रहे हैं थोड़ा बाहर टहलने। आज हमारे काफ़ी सारे दोस्त नहीं आए बारिश की वजह से, इंशाल्लाह लेंगे भाई इससे भी अच्छी गाड़ी, मैं तो शामी वाली लूँगा, शामी वाली। तो भाई आज हमारे बहुत सारे दोस्त नहीं आए, अरसलान नहीं आया, वान नहीं आया, कोई 10-15 बंदे नहीं आए क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो उनके घर दूर हैं भाई वो नहीं आ पाए, लेकिन रज़ा पहुँचे और मैं पहुँच जाएँ और बाकी कुछ दोस्त थे। और अभी हम थोड़ा बाहर घूम के फिर जाएंगे भाई तरावी पढ़ने, तरावी के बाद फिर कश्मीरी चाय चलेगी वो भी दिखाएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। मस्जिद के बाहर भाई माहौल चेक करें, लोग कहते हैं कि इधर मुसलमानों के साथ सख्ती है। ये सारे हलाल रेस्टोरेंट है, ये देखो ये सारा एरिया हलाल रेस्टोरेंट है, हाई फाई रेस्टोरेंट है। रोड के उस तरफ भाई मेरे देखोगे उस तरफ भी सारे हलाल रेस्टोरेंट हैं, ये सारा एरिया ही हलाल है, जो भी मिलेगा हलाल मिलेगा। और रज़ा भाई वॉक कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कभी जिंदगी। वॉक भी होनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया अभी खाना। हाँ जब इफ्तारी आपने बहुत ज़्यादा पियो तो आपको पता होता है फिर पेट में क्या हालात चल रहे होते हैं, हालात बड़े ख़राब होते हैं। फर्क ये है कि पाकिस्तान में हम लोग समोसे और पकौड़े खाते हैं, यहाँ पे हम लोग तपंचियाँ और सूप पी रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी वो है जो कुर्बानी है ना हमारी, वो ये है कि यहाँ पे भाई हम लोग सूप मूप पीते हैं, चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं लोग ले आते हैं, बट जो मेन इशू है वो ये है कि हमारे पाकिस्तानी कुछ भी नहीं लाते, कुछ भी नहीं लाते, जितने भी पाकिस्तानी हैं भाई कोई चीज़ बना के नहीं लाते और ज़्यादातर आते ही नहीं है। जो मेरी मार्केट वाले हैं, जो मोबाइल फील्ड वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, वो तो बिल्कुल मस्जिद आते ही नहीं है पूरा रमज़ान। देखो ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से शुरू हैं, नमाज टाइम पूरा। चाचू हेलो, ये भाई बच्चों का पोर्शन है सारा। जुनैद चाचू से, चाचू आप इतनी क्यूट क्यों हो? वो और बच्चों ने देखो मस्जिद में अपनी रौनक बनाई हुई है, सेकंड फ्लोर तो पूरा ही बच्चों का है। ये भाई तरावी हो रही है, तरावी भी आपको दिखाते हैं, ये लास्ट डेज है। और अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और कमाल की चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बच्चों के लिए इन्होंने एक रीडिंग रूम बनाया हुआ है जहाँ पे आप जाके कुरानी तालीम पढ़ सकते हो, कुरानी जो हमारी हिस्ट्री की बुकें हैं ट्रांसलेशन के साथ, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखें रीडिंग रूम इन्होंने बनाए हुए हैं बच्चों के लिए, ये और अंदर सारे ही आपको बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो ये भाई देख रहे हो, ये रीडिंग रूम है बच्चों के लिए, ये माशाल्लाह से देखें सारी कुरानी किताबें पड़ी हुई हैं। ओके माँ देखो इंग्वन माँ, कैन यू स्पीक इंग्लिश? इट्स रियली ग्रेट, व्हाट आर यू रीडिंग? हाँ होमवर्क, इट्स अ स्कूल वर्क और कुरान? डू यू आल्सो रीड हियर कुरान लाइक इस्लामिक बुक्स? यस आई रीड। ओह दैट्स ग्रेट।
Nihoi Ingwan, that's really great. What are you reading, girls? School, homework. You also speak English? Ethan, Ethan. That's great. माशाल्लाह से बच्चों को इंग्लिश भी आती थी, बहुत कमाल का, यानी कि वो स्कूल वर्क भी इधर ही मस्जिद के अंदर कर रहे थे। ये बड़ा इंप्रेसिव था। मैं ऊपर फ्लोर पे जाता हूँ। ये भाई हर चार रकात के बाद ये लोग ये पढ़ते हैं। आई डोंट नो कि ये किस बारे में है, बहरहाल कोई इबादत कर रहे हैं ये लोग। ये हर चार रकात के बाद ये लोग करते हैं। देखें मस्जिद, ये ऊपर सारे कलमे लिखे हुए हैं। फोर फ्लोर के ऊपर भाई, फोर्थ, इससे ऊपर भी फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर, बहुत बड़ी मस्जिद है। फिफ्थ फ्लोर पे भी लेडीज़ की जगह है और नीचे सेकंड फ्लोर पे बच्चों की जगह है। और माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। और इसका व्यू देखें आप ज़रा, ये देखें ऊपर भी बंदे माशाल्लाह से ठहरे हुए हैं और नीचे भी देखें भाई, बहुत ज़्यादा आवाम है। मैं भाई तरावी आज मैंने चार पढ़ी हैं, उसके बाद मैंने छोड़ दी क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। और बहुत सारे जो हमारे इंडियन दोस्त हैं उन्होंने भी बोला कि भाई आप वीडियो लाजमी बनाओ ये तरावी की, ताकि लोगों को पता चले कि चाइना में हम तरावी किस तरह पढ़ते हैं, यहाँ पे माहौल क्या है। तो बहुत ही नाइस माहौल है, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके मस्जिद में लोगों से मिलना, इकट्ठे खाना, इकट्ठे नमाज़ पढ़ना, इकट्ठे इबादत करना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। शेंजन मस्जिद का भाई पूरा नक्शा बना हुआ है, ये देखें कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत मस्जिद है यार, बड़ी खूबसूरत है भाई। ये साथ में देखें कार पार्किंग का एरिया है सारा, ये भाई ये पूरा ही कार पार्किंग का एरिया है। ये बड़ी सी LED लगी हुई है जिसपे भाई आप यहाँ से देख सकते हैं कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे चाय का वेट हो रहा सी, वे अभी बैठे हुए हैं राउंड टू के लिए, चाय के लिए। राउंड टू के लिए बैठे हो? मैं ऊपर शूट मूट करना गया था। राउंड टू शुरू हो चुका है। ये चाइनीज़ चाय के पीछे और कश्मीरी के पीछे बिल्कुल पागल हैं, कश्मीरी चाय के पीछे भाई लीवन्ने हो रहे हैं लोग। ओए अपने लिए भी ले भाई, हम ना रह जाएं। कब मिल जाएंगे? ये देखें माशाल्लाह, ये हमारे भाई कश्मीरी चाय लाते हैं भाई, और सारे चाइनीज़ियों को ना इन्होंने बस नशे पे लगा दिए। कश्मीरी के ऊपर भीड़ लगी हुई है, भीड़। आप भी आ जाओगे वीडियो में, बच के कहाँ जाओगे? ये भाई सामने हमारे पड़ी हुई है इंडिया की चाय, ये पाकिस्तान की चाय, और बांग्लादेश वाली हम पी गए हैं पहले। ओ ये अब शुरू हो गए। ओह माशाल्लाह, ये देखें ये इंडिया की और ये पाकिस्तान की, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ये लें पीते हुए भी देखें। नंबर वन। ये रहा हमारा मिस्टर मा वदा शुंगदी। नो नी कश्मीरी टी, यू डोंट लाइक कश्मीरी टी, पाकिस्तानी टी? आई गो बैक होम। नो इट्स वेरी अमेजिंग। आई लाइक इट बट आई एम नॉट टी। हां यू कैन ट्राई सम। वेयर आर यू गोइंग? आई गो बैक होम नाउ। व्हाई? जिस चाय के पीछे आप आए हैं वो खत्म हो चुकी है कश्मीरी। जिस चाय के पीछे आप घूम रहे हैं वो ख़त्म हो चुकी है। इसका शूट पूरा हो चुका है, बाहर हल्की हल्की सी बारिश शुरू है, और हाथ में हमारे एक लास्ट कप रह गया चाय का। और परवेज़ भाई की तरफ बढ़ते हुए भाई, उनकी गाड़ी की तरफ सामान ले जाते हुए हम फिर करेंगे वीडियो का दी एंड भाई। ये देखें, नहीं मैं तो इनके है मेरे ख्याल से, पता नहीं है किसी और को, इनको दे दो तो कीर भाई को। इसका ये फुल शॉट है, पॉकेट थ्री है ना, फुल शॉट है ये आपको चाइना में इस टाइम कभी बहुत मुश्किल से मिलेगा है, लेकिन इस टाइम ना बड़ा शॉट है ये। मैंने जब लास्ट टाइम लिया मुझे 2 महीने का टाइम उन्होंने दिया 4700, हाँ क्रिएटर कम्बो के साथ 4700। कितने का हो गया? नहीं 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 होगा,
इम्पॉसिबल है। 27 वो 2 होगी, पॉकेट 3 जो है ना वो इम्पॉसिबल है, ये मिल ही नहीं रहा, बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। ओए होए होए होए, तीन खड़े ना बाहर। किधर गई वो एक छोटी बच्ची इनके साथ ही, बड़ी क्यूट। वो मेरे ख्याल से उनकी बेटी है, हाँ, पर शक्ल तो इसकी भी उसकी तरह है। दो है ना, तीनों खड़े ना पीछे, एक दो तीन है ना। हाँ, ये था भाई हमारा मस्जिद का आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये हमारी चाइना की लाइफ है रमज़ान में, लेकिन यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब हम लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे खाना खाते हैं भाई, इफ्तार करते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, फिर चाय के राउंड चलते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर मज़ा आता है और बहुत ही अच्छा माहौल होता है। इंडियन भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, चाइनीज़ भी होते हैं, बड़ा ही एक भाइयों वाला माहौल होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे कि ईद पे भी हम लोग यहाँ का शूट लें। और अभी बारिश हल्की सी शुरू है और मस्जिद माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो भाई हल्की हल्की सी बारिश शुरू है ये, और सामने हमारी माशाल्लाह से प्यारी मस्जिद है सेंजन की, ये लाजवाब। मुझे लगता है अंदर तो नहीं है।